हाय फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आपको वी द फोटोग्राफर का थर्ड पार्ट में आज शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपने इसके पहले वाले जो पार्ट है फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो जब तक आप फर्स्ट और सेकेंड आप नहीं देखेंगे तब तक आपको थर्ड समझ में नहीं आने वाला। राइट नाउ तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओके, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट ना, ताकि और हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो शुरू करते हैं। लेकिन इस पैराग्राफ को आपको समझने के लिए एक स्टेप मैं पीछे जाता हूं ताकि यहां से आप समझ सके। राइट नाउ तो फोटोग्राफर ने जब राइटर का फोटो जब शूट किया था तो फोटोग्राफर ने जब उसको शूट करने के बाद राइटर ने उसे बोला कि मुझे दिखाओ कि मेरा फोटो कैसा हुआ। राइट नाउ तो अब यहां से शुरू होता है कि फोटोग्राफर क्या बोलता है। ओ There's nothing to see it. अभी देखने के लिए कुछ नहीं है। राइट नाउ जैसे मैंने आपको पहले वाले जो पार्ट है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले जो फोटो कैमरे होते थे उसमें रील वाला आता था तो जल्द से जल्द कोई काम नहीं हो पाता था। राइट नाउ तो इसीलिए फोटोग्राफर ने क्या बोला कि अभी अभी कुछ नहीं है देखने के लिए। ही शेड, ही मतलब वो फोटोग्राफर को बोल रहा है कि उसने कहा कि अभी भी अभी देखने के लिए कुछ नहीं है। राइट नाउ ओके, आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट, पहले मुझको नेगेटिव डेवलप करना है। नेगेटिव का मतलब होता है जो पहले वाले जो कैमरे जो आते थे उसमें रील लगता था और उससे जो फोटो जो बनते थे तो उसमें पहले वो फोटोग्राफर जो होते थे वो पहले नेगेटिव बनाते थे और फिर बाद में फोटो में उसको डेवलप करते थे। राइट नाउ तो बोल रहा है कि पहले मुझे नेगेटिव बनाना है और उसके बाद से मैं बनाऊंगा फोटो। कम बैक ऑन सैटरडे, आप सोमवार को आओ, यानी कि आप सोमवार को बुलाता है ना, एंड आई शैल लेट यू सी ए प्रूफ ऑफ इट, और तब मैं उसका एक प्रूफ मैं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका फोटो कैसा हुआ है। राइट नाउ ओके, ऑन सैटरडे, सैटरडे को देखिए किसी भी दिन के नाम के पहले अगर अन आ जाता है तो उसका मतलब होता है को, अन जनवरी, अन फरवरी, अन सैटरडे, अन मंडे, तो समझिए उसका मतलब को है। राइट नाउ अन सैटरडे आई वेंट बैक, मैं गया। राइट नाउ तो राइटर जो होता है फिर से स्टूडियो में जाता है। द फोटोग्राफर बीकॉन्ड मी इन, तो फोटोग्राफर जो होता है उसको इशारा करता है। बीकॉन्ड का मतलब होता है इशारा करना, इन का मतलब अंदर बुलाने के लिए वो इशारा करता है। आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर देन बिफोर, मुझे लगा कि वो पहले से ज्यादा जो है पहले से ज्यादा मुझे वो गंभीर लगता था। राइट ना, ग्रेवर का मतलब होता है गंभीर और क्वाइटर का मतलब होता है शांत, पहले से वो शांत और गंभीर था। I think too there was a certain pride in his manner, और उसके manner में एक निश्चित गर्व था। Pride का मतलब होता है गर्व, उसके manner में एक certain एक निश्चित ही गर्व था। क्यों गर्व था? He unfolded. देखिए fold word को, fold का मतलब होता है मोड़ना, उसी में लगा दिया गया है on, यानी कि खोलना। फोल्ड का मतलब मोड़ना और अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना। तो ही अनफोल्डेड यानी कि फोटोग्राफर ने अनफोल्ड किया यानी कि खोला द प्रूफ ऑफ ए लार्ज फोटोग्राफ, और उसने क्या खोला कि बहुत ज्यादा फोटो रखा हुआ था मोड़ करके और उसको उन्होंने खोला। एंड वी बोथ, और हम दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, हम दोनों, वी बोथ। राइट ना, आगे देखते हैं। Looked at in silence, और शांति पूर्वक हमने उसको देखा, एकदम शांति से देखने के बाद क्या होता है, फोटो लेखक बोलता है
लेखक चौंक जाता है, इज इट मी, क्या ये मैं हूं? आई आस्क्ड फोटोग्राफर ने, फोटोग्राफर से लेखक पूछता है क्या ये मैं हूं? यस, फोटोग्राफर रिप्लाई करता है, ही सेड क्वाइटली, शांतिपूर्वक कहा, भाई आप ही हो, इज इट यू, राइट ना, एंड ही वेंट ऑन लुकिंग एट इट, और वो उसको देखता रह गया, देखता रहा, किसको देखता रहा, जो फोटो उसने जो बनाया हुआ था उसको उसने देखता रहा. द आईज आई सेड हेजिटेंटली, आंख है, आई सेड हेजिटेंटली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन, मेरे जैसा नहीं दिख रहा है, मुझसे मिलता जुलता नहीं है मेरी आंखें. ओ नो, नहीं ऐसी बात नहीं है. ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, आई हैव रिटच्ड देम, मैंने उसको सुधारा हुआ, रिटच का मतलब होता है सुधारना, मैंने उसको सुधारा है. दे कम आउट एस्पिडेंटली, डोंट दे, पहले से अब ये क्या हो गया, वो बोल रहा है कि भाई पहले से अब तो ये अच्छा लग रहा है ना, जो आपकी पहले से जो आपकी जो आंखें थे पहले तो मैंने उसको सुधार दिया है तो पहले से अच्छा लग रहा है ना. फाइन आई सेड, बट श्योरली माई आईब्रो आर नॉट लुक लाइक दैट, लेकिन मेरा आईब्रो जो है मेरे जैसा नहीं दिख रहा है. नो सेड द फोटोग्राफर, नहीं फोटोग्राफर ने कहा, विद मोमेंटरी ग्लांस एट माई फेस, और उसने मेरे चेहरे, ग्लांस का मतलब होता है देखना, राइट ना, उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा कुछ पल, मेरे चेहरे की तरफ देखा, मोमेंटरी का मतलब कुछ पल. द आईज आर रिमूव्ड, आईब्रोज आर रिमूव्ड, मैंने जो आपका आईब्रो जो है, आईब्रो राइट ना, आईब्रो तो ये आईब्रो है, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, मिटा दिया, हटा दिया है. वी हैव ए प्रोसेस नाउ फॉर पुटिंग इन न्यू वन, मैंने नया डालने की कोशिश मैंने किया, मैंने नया डाला हुआ है, मतलब मैंने दूसरे वाला मैंने डाल दिया हुआ है, अपने तरफ से मैंने उसको बना दिया हुआ है. यू शैल नोटिस हियर, वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो, मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जो ब्रो पे, ब्रो का मतलब जो भवे है, वहां से मैंने हेयर को मैंने हटा दिया हुआ है. आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, लेखक से बोल रहा है फोटोग्राफर, आपने नोटिस किया होगा कि वहां से मैंने हटा दिया हुआ है आईब्रो से. आई डोंट लाइक द हेयर लो, मैं ज्यादा नीचे हेयर पसंद नहीं करता. ऑन द स्कल, कहां पे मैं पसंद, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी पे, मैं ज्यादा नीचे बाल पसंद नहीं करता हो. ओह यू डोंट, आप नहीं जानते, फोटोग्राफर बोल रहा है कि आप नहीं जानते कि मैं ज्यादा नीचे बाल में पसंद नहीं करता हूं खोपड़ी पे. डोंट यू, राइट ना, आई सेड, क्या आप नहीं जानते, मैंने कहा. डोंट यू, क्या आप नहीं जानते, मैंने कहा, राइट ना, फोटोग्राफर से बोल रहा है लेखक. ओके आगे देखते हैं. नो ही वेंट ऑन, वह बोलता गया, वेंटन का मतलब वो बोलता गया, आई डोंट केयर फॉर इट, लेकिन मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, मैंने उसका कोई ख्याल नहीं रखा कि भाई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है. आई लाइक टू गेट द हेयर बैक फर्दर एंड मेक आउट ए न्यू वन ब्रो लाइन. ओके आगे राइटर क्या बोलता है, आई लाइक, मैं चाहता हूं टू गेट द हेयर बैक, हेयर जो है वापिस आ जाए, मैं चाहता हूं कि वो हेयर जो है वापिस आ जाए जो आपने भाई हटाया हुआ है. फर्दर एंड मेक आउट ए न्यू वन ब्रो लाइन, और उसमें एक नया लाइन, मैं नया लाइन एक बना दूं, राइट नाउ. व्हाट अबाउट द माउथ, राइट नाउ वो क्या बोलता है, मुंह के विषय में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट द माउथ, भाई मुंह भी मेरे जैसा नहीं दिख रहा है. आई सेड, फोटोग्राफर से लेखक बोलता है, व्हाट अबाउट द माउथ, राइट नाउ, विद ए बिटरनेस, मैंने कटुकता से कहा कि उसे, कटुकता मतलब काफी तीखापन से कहा कि भाई मेरा मुंह के बारे में क्या ख्याल है, वो तो वो भी मेरे जैसा नहीं दिख रहा है. डेट वॉज अ लस्ट ऑन द फोटोग्राफर,
लेकिन फोटोग्राफर का इसका भी कोई असर नहीं हुआ. इज दैट माइन, क्या ये मेरा ही है? राइट नाउ डबल डैट हो गया है, तो इसको आप, ये गलत हो गया है. राइट ना, इट एडजस्टेड, मैंने उसको एडजस्ट किया हुआ है. राइट ना, मैंने उसको थोड़ा सा ठीक कर दिया है. अ लिटिल, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा. ही सेड, फोटोग्राफर ने कहा, योर्स इज टू लो, यानी कि आपका जो था, क्या था, मुंह जो काफी नीचे नीचा था, तो मैंने मैंने क्या कर दिया, आई फाउंड, मैंने पाया, आई कुडंट यूज इट, मैं इसका प्रयोग ना कर सका. यानी कि क्या बोल रहा है कि मैं उसको ज्यादा सुधार नहीं कर पाया. राइट नाउ आपका जो मुंह था वो ज्यादा नीचे था, मैंने उसको कोशिश किया उसको ठीक करने के लिए, लेकिन मैंने उसको ज्यादा ठीक नहीं कर पाया. द ईयर्स, ये कान, ये कान बोल रहा है. थॉट दो आई सेड स्ट्रिक मी एज ए गुड लाइकनेस, ये कानों में मुझे काफी सभ्यता दिख रही थी, वे ठीक मेरी तरह है. यानी कि आपके जो कान जो है वो किसके तरह है, गुड लाइकनेस, दे आर जस्ट लाइक माइन, यानी कि वो बिल्कुल मेरे जैसे, आपके कान जो थे कानों में काफी सभ्यता दिख रही थी, यानी कि कान बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसा ही है आपका कान, तो और इसीलिए मैंने उसको कुछ नहीं किया. यस, राइट ना, सेड द फोटोग्राफर थॉटफुली. दैट इज सो, फोटोग्राफर ने विचार कर कहा. राइट ना, वो विचार वैसे सोच करके उसने कहा. राइट ना, ओके, बट आई कैन फिक्स, मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसे ठीक कर सकता हूं. दैट ऑल राइट इन द प्रिंट, यानी कि प्रिंट करते वक्त मैं उसको ठीक कर सकता हूं. वी हैव ए प्रोसेस नाउ फॉर रिमूविंग द ईयर्स इंटायरली. बोल रहा है कि वी हैव ए प्रोसेस नाउ फॉर रिमूविंग द ईयर, मेरे पास एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा तरीका है जिससे कान को क्या किया जा सकता है, पूरी तरीका से रिमूव किया जा सकता है. राइट ना, आई शैल सी इफ लेशन. आगे क्या करता है राइटर, इंटरप्ट करता है उसको. आई इंटरप्टेड, वो उसको जो कंटिन्यू जो बोल रहा होता है तो उसको वो रोकता है. ड्राइंग माई सेल्फ अप, और अपने आप को खींचता है ऊपर. एंड एनिमेटिंग माई फिगर टू दियर फुल एक्सटेंट, और अपने शरीर में काफी ऊर्जा वो भर लेता है. एंड स्पीकिंग विद ए बिटरनेस, और काफी कठोरता से बोलता है, मतलब क्या बोलते हैं, इतनी खराब बोलता है वो. डैट शुड हैव ब्लास्ट अ मैन ऑन द स्पॉट, कि कोई भी व्यक्ति उसी समय जो है ब्लास्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वैसी बातें को. आई केम हियर फॉर ए फोटोग्राफ, मैं यहाँ फोटोग्राफ लेने के लिए आया हूँ. अ पिक्चर समथिंग, एक तस्वीर. राइट ना, ओके, आगे देखते हैं. विच बेड दो इट सीम्स, भले ही वो कैसी हो, भले से वो खराब ही क्यों ना हो. वुड हैव लुक लाइक मी, लेकिन वो मेरे जैसा ही दिखे, मैं जैसा भी हूँ इट डजंट मैटर, बट फोटो एकदम एग्जैक्टली मेरे ही जैसा होना चाहिए. आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिप्ट माई फेस एज हेवन गेव इट टू मी, मुझे वही फेस चाहिए था जैसे मुझे मिला हुआ है. राइट ना, मुझे वैसे ही चेहरा चाहिए था जैसे मुझे दिया गया है, भगवान ने मुझे दिया है, सिर्फ वैसे ही चेहरा चाहिए था. हम्बल थर्ड द गिफ्ट मे हैव बीन, आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड माइट कीप आफ्टर माई डेथ, मैं इसलिए चाहता था, ये फोटो मैं किस लिए खिंचवाने आया था, ताकि मेरे मरने के बाद जो है मेरा दोस्त जो है उसको अपने पास रख सके, कि मुझे याद करे उसको रख करके. टू रिकाउंसिल देम टू माई लॉस, और मेरी मृत्यु का जो क्षति है वह सह सके. राइट ना, इट सीम्स डेट आई वॉज मिस्टेकन, मुझे लगा कि मैंने गलती किया हुआ.
यानी तुम्हारे पास आकर के मैंने गलती कर दिया, दैट आई वांटेड इज नॉट डन, गो ऑन देन विद योर बर्टल वर्क. ओके, आगे लेखक क्या बोल रहा है कि इट सीम्ड दैट आई वाज मिस्टेकन, ऐसा लगता है कि मैं गलत था, व्हाट आई वांटेड इज नॉट डन, और जो चीज के लिए मैं आया था वो चीजें जो है नहीं हो पाया. गो ऑन देन विद योर ब्रूटल वर्क, राइट ना, वो अपना जो है घटिया काम करते रहो. वो काफी गुस्सा करके बोलता है, राइट ना. ब्रूटल का मतलब होता क्रूर है, कार्य, राइट ना, जो एकदम घटिया काम जिसको बोलते हैं, क्रूर कार्य अपना करते रहो. टेक योर नेगेटिव, अपना नेगेटिव ले लो, और वेदर इज इट यू कॉल इट, और जो कुछ भी तुम इसको बोलते हो, भाई मैं तो इसको नेगेटिव बोलता हूँ, आप पता नहीं क्या बोलते हो ना. डिप्ट इट इन एनीथिंग यू लाइक, रिमूव द आईज, करेक्ट द माउथ, किसको हटाओ, आई को हटाओ, रिमूव करो, करेक्ट द माउथ, और माउथ को सही करो, राइट ना. एडजस्ट द फेस, और फेस को एडजस्ट करो. रीस्टोर द लिप्स, और लिप्स को रीस्टोर करो, पुनः लेकर के आओ. री एनिमेट द नेक टाई, और नेक टाई जो होते हैं वो, उसको आप री एनिमेट करो, मतलब दोबारा बनाओ. एंड रिकंस्ट्रक्ट द वेस्ट कोट, और दोबारा रिकंस्ट्रक्ट, निर्माण करो. कंस्ट्रक्ट का मतलब निर्माण करना है, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट का मतलब दोबारा निर्माण करना वेस्ट कोट को. कोट इज कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लोस, सेड इट, ग्लाइड इट, इट टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इज फिनिश्ड, देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट कीप इट योर सेल्फ. क्या बोल रहा है कि ये बाकी जब चीजें तुम कर लेना, मुंह सही कर लेना, आंखें सही कर लेना, और जो भी चीजें, जो गलती तुमने किया हुआ है वो चीज को अगर तुम सही कर लेना, तो क्या कर लेना, इसको तुम अपने पास रख लेना. कीप इट योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए. एंड मे वैल्यू इट, वो इसका मूल्य देंगे. टू मी इट इज बट आई वर्थलेस टेरिफल, लेकिन मेरे लिए क्या है, एकदम वर्थलेस है, बेकार है. आई ब्रस्ट इन टू टीयर एंड लैप, और मैं रोते हुए वहां से चला गया. तो फ्रेंड राइट ना, इस चैप्टर में बस यही मेंशन किया गया है कि राइटर जो है अब फोटोग्राफर के पास जाता है फोटो खिंचवाने के लिए, और उसका एक्चुअल जो सीन है, जो एक्चुअल आकार है राइटर का, वो फोटोग्राफर नहीं दे पाता है, और इसी वजह से जो राइटर होता है फोटोग्राफर के ऊपर नाराज हो जाता है. वो इसलिए चाहता है कि मुझे जो मेरा जो शरीर जो इस प्रकार से मिला हुआ है, मुझे वैसा ही शरीर चाहिए, चाहे जैसा भी हो, ताकि मेरे मरने के बाद मेरा दोस्त जो है मुझे याद कर सके. लेकिन फोटोग्राफर ने उसको रिटच करके, और यानी कि नए तरीके से उसको बना दिया है, इसीलिए उसको वो पसंद नहीं आता है, और वहां से वो नाराज होकर के रोते हुए वहां से चला जाता है, राइट ना. तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.